Assalamualaikum, welcome back to another vlog. Hope you guys are doing well. तो guys, आज का सीन कुछ यूँ है कि आज है भाई का बर्थडे और मामा और मैंने मिलके भाई के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की हुई है. तो सीन कुछ यूँ हुआ सुबह के जब हम सुबह उठे तो किसी ने भी जो है ना उसका बर्थडे विश ही नहीं किया और जिसकी वजह से उसका मूड ख़राब हो गया. तो मामा और मैंने पहले उसके लिए प्लान किया हुआ था. तो अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ डेकोर का थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो फिर आके जो है ना डेकोरेशन करते हैं और फिर मम्मा से मिलते हैं. मम्मा जो है ना खाने की जो है ना प्रिपरेशन कर रही है. अस्सलाम वालेकुम. एज यूजुअल आप सबसे मेरी मुलाकात जो है वो किचन में ही हो रही है क्योंकि आज मैं बहुत बिजी हूँ. जैसा कि शमरोज ने आप सबको बताया कि मेरे बड़े बेटे शाहजेब का बर्थडे है आज. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ बिकॉज समटाइम्स वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर फीलिंग्स. सो मेरे लिए भी आज का दिन कुछ ऐसा ही है. तो वैसे तो उसको मेरे हाथ की बनी तमाम चीजें बहुत पसंद है, लेकिन मैंने मेन्यू में उसकी मोस्ट फेवरेट चीजें उसकी डाली है मेन्यू में. तो आई मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने उसके लिए क्या बनाया. सबसे पहले तो मैंने उसके लिए रेडी किया है उसका फेवरेट मटन पुलाव. ये देगी स्टाइल का होता है, जरा उसको बहुत पसंद है. और सेकेंड थिंग है जी पास्ता. और थर्ड में जो है मैं बना रही हूँ उसके लिए फिश. ये फिश को मैंने मसाला लगाया हुआ था और ये फिश जो है ये जाएगी कढ़ाई में और उसके लिए फिश चाहिए. हाँ जी, तो लाइक हम जो है ना गिफ्ट शॉप पे आ गए हैं तो डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान पकड़ते हैं फिर हम चलते हैं घर. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो गाइज, यहाँ पे जो है ना डेकोरेशन का सारा सामान आ गया और हमने डेकोरेशन जो है ना ये वाली वॉल पे जो है ना डेकोरेशन करनी है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो है ना हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है इतना ना डेकोरेशन करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. गुब्बारे फुलाते हुए हवा टाइट हो गई आज. आज अकेले तो सारा कुछ करना पड़ रहा है इसीलिए हवा तो टाइट होगी आज. मुझे पता है कि हवा क्यों टाइट आज अकेले करना पड़ रहा है सारा कुछ. लास्ट टाइम किसी की भी हो ना बर्थडे वगैरह तो भैया में मिलके बलून जो है ना ब्लो करते हैं. तो आज मैं अकेले कर रहा हूँ तो हवा टाइट हो गई, मुझे चक्कर आ रहे हैं. अभी इतना सा सेटअप किया और इसने जो है ना चीज़ें ख़राब करनी शुरू कर दी हैं. बेला बेला ना ख़राब करी तेरी मेहरबानी, छोड़ दे. अभी ये थोड़ा बहुत ही हुआ है, अभी प्रॉपर सारी चीज़ें लगनी हैं. बैक टू वर्क स्टार्ट. Thank you.
सो फाइनली गाइज सेटअप जो है ना रेडी हो चुका है, तो मम्मा को बुलाते हैं, मम्मा को दिखाते हैं, मम्मा से पूछते हैं कैसा लग रहा है। तो और भाई का भी जो है ना आने का टाइम हो चुका है, तो भाई भी थोड़ी देर तक जो है ना आने वाला है, और आता तो फिर जो है ना उसको सरप्राइज देते हैं। हाँ जी मम्मा, कैसा लग रहा है डेकोर? जबरदस्त, कमाल का, बहुत अच्छा डेकोर किया बेटिया आपने, वेल डन, और थैंक यू भी मेरा साथ देने का, बहुत शुक्रिया। आज मुझे वैसे सही हो गया कि डेकोर अकेले करते हुए ना पता चल गया मुझे गुब्बारे फुलाते हुए। चलो कोई बात नहीं, तो भाई भी आने वाला है तो फिर उसको सरप्राइज देते हैं, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। ये लो भी ये चीज ले लो जो आपने कपकेक मुझसे मंगवाए थे। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, और क्या इंतजाम किए हुए हैं? बस तैयारी की है, काफी डेकोरेट वगैरह कर दिया, हमसे नाराज हुआ हुआ आज। वो क्यों? बस किसी ने विश जो नहीं किया, वो तो हमने सरप्राइज रखा ना उसके लिए। चले, अब उसको यही एहसास है कि शायद इस दफा मेरी बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट करनी ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, उसको यही पता है। चले उसको सरप्राइज दे आप। चले ठीक है, हाँ सरप्राइज दे, चले जी, देखते हैं, आ लेने दे उसको, इसको मूड देखते हैं क्या है उसका, ठीक है? तो सही, ये अंदर किया क्या आप लोगों ने? ये भी मैंने भी थोड़ी देर पहले जो है ना डेकोरेशन की है ये। अच्छा, सारी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। मैंने एक छोटी सी जो है ना सिंपल सी डेकोरेशन की है। अच्छा, मैंने कहा सरप्राइज ही है। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है, वो आएगा माशाल्लाह, आने वाला होगा, जरा उससे ना जरा लाइटें बंद कर दो, फिर उसको आके ना लाइटें खोलना, सरप्राइज देना उसको। हेलो बड़े बॉय, आलने दो बड़े बॉय, बड़े बॉय बचपन वाली बात, जब हम उसको कहते थे बचपन में। हाँ जी बड़े बॉय, हमारे लिए तो वो बचपन ही है ना उसका। नहीं मैंने कहा ये वर्ड हम उसे बचपन में बहुत छोटा सा था तब कहते थे, हेलो बर्थडे बॉय। हाँ जी, तो मम्मा भाई भी आने वाला अब थोड़ी देर तक। चलो ठीक है, उसको बातों में लगा लोगों के लिए आए, ठीक है? मैं अंदर ले करता हूँ इसको बातों में लगा के, ठीक है? तो गए, तो चलते हैं देखते हैं। हेलो ब्रो, कुछ नहीं यार, वो मैं मूवी देख रहा था अंदर, तो ना उसका एक सीन वैसे ना मेरे माइंड में आया, तो मैं वो वैसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। आ जा अंदर। मामा जाग गई है? नहीं मम्मा सो गई है यार, वो मम्मा ने थोड़ा सा मशीन वगैरह थोड़ा सा काम वगैरह किया हमने, तो मम्मा की तबीयत थोड़ी सी नहीं सही थी, तो मम्मा लेट गई। आने से पहले तो सोती नहीं है, तबीयत ठीक है उनकी? हाँ लेट ही नहीं है मम्मा। आजा अंदर, आजा आजा अंदर आजा। Happy birthday to you, happy birthday to Jazzy, happy birthday to you, happy birthday, birthday boy, birthday boy, मेरी जान। बड़ा अच्छा दादा, मैं अपने काटो इसको माशाल्लाह, आपकी पसंद के मंगवाए हैं मैंने, पहले आप, पहले नहीं पहले पापा, बिस्मिल्लाह। थैंक यू, आपने कौन सा लेना है? भाई को भी खिलाओ। उन्हें क्या सोचा हुआ था, हमने नहीं करना अरेंज ये, छोटे को भी खिलाओ, छोटे ने इतना इंतजाम किए। ये नाराज था, जना नाराज हुआ था, ऐसे नाराज माँ बाप से नाराज नहीं है। मैंने भी पूरा पूरा सरप्राइज रखा ना, मैंने स्टोरी भी मिड डे गुजर जाने के बाद। अच्छा,
देखा मैंने देख ली थी बाद में लेकिन ये नहीं पता था कि सेलिब्रेशन हो जाएगी। चले ये कैसे हो सकता है, ये बताओ कि मैंने आपका फेवरेट क्या क्या बनाया आज? क्या क्या बनाया? चलो गैस करो। वैसे तो आपको सारी चीजें ही मेरे हाथ में नहीं पसंद। मोस्ट फेवरेट चीजें कौन कौन सी बनाई है तेरी पसंद का? सब कुछ बनाया। ठीक हो गया। और थैंक यू भी बोल दो। आपको पसंद है ही, लेकिन पुलाव मटन पुलाव बिरयानी से भी ज्यादा आप पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए। और ये जनाब जब कहते हैं ठीक है, आई आई कांट वेट मोर, तो जल्दी से मुझे डाल दे। चलो ठीक है। फिश नहीं लोगे पहले? फिश के पहले थोड़े से चावल फिर फिश खाएंगे। चलो ओके। जी तो अब हम डिनर कर चुके हैं और ये थी हमारी आज की छोटी सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी जो मैंने और शमरोज ने अरेंज की शाहजेब के लिए। It was the best ever birthday party I've ever had. Thank you so much. तो जी आज का व्लॉग, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Love, please.